नमस्कार, स्वागत है आपका gscgtech.com के एक और नए एडुकेशनल वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं गोपाल शर्मा और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीजी के नेक्स्ट क्लास अर्थात क्लास नंबर 21 के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे एमआरपी स्टॉक मेंटेनेंस के बारे में। आप जानते ही होंगे कि एफएमसीजी फील्ड जो है उसमें एमआरपी के हिसाब से स्टॉक को मेंटेन किया जाता है, तो कैसे हम लोग उसे वीजी में इंप्लीमेंट करेंगे, किस तरह से एमआरपी के हिसाब से हम लोग सेल परचेज रेट वगैरह एडजस्ट करेंगे, इन सब चीजों के बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो कहीं भी जाइएगा मत, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले है एक छोटा सा रिक्वेस्ट, फटाफट वीडियो को कर दीजिए लाइक, दोस्तों के साथ कर लीजिए शेयर, और अगर फर्स्ट टाइम आए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। और हाँ, ये एकदम फ्री है, इसलिए पैसे के लिए कुछ भी सोचना नहीं है। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। इसके लिए हमने वीजी को ओपन कर लिया। यहां आप देख सकते हैं हमारे सामने एक सेल्स का इनवॉइस खुला हुआ है, जिसमें हमें एमआरपी क्वांटिटी यूनिट प्राइस अमाउंट वगैरह शो कर रहा है। अगर आप इस सेटिंग को एनेबल करना चाहते हैं और इस तरह से अपने स्टॉक को मेंटेन करना चाहते हैं, तो आपको कुछ सेटिंग्स को एनेबल करनी पड़ेगी। कौन सी है वो सेटिंग, चलिए देख लीजिए, मिला लेते हैं चेकलिस्ट को। पहला है एनेबल एमआरपी वाइज डिटेल्स फीचर इन फ्यूचर ऑप्शन इन्वेंट्री टैब में। उसके बाद दूसरा है एनेबल एमआरपी वाइज डिटेल फीचर फॉर द इंडिविजुअल्स आइटम। जिस आइटम का आप एमआरपी वाइज डिटेल मेंटेन करना चाहते हैं, जिसका स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं, उस पर आपको एमआरपी सेटिंग करनी पड़ेगी। तीसरा जो है वो आप परचेज करते समय एमआरपी में सेल्स और एमआरपी रेट डिफाइन कर देंगे। और चौथा जो है वो है इंटर सेल्स वाउचर एंड एडजस्ट अ स्टॉक विथ एमआरपी। और पांचवे में अगर आप इनकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो व्यू प्रिंट में जाएं और एमआरपी वाइज स्टॉक रिपोर्ट को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कहां से क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग पहुंचेंगे एडमिनिस्ट्रेशन टैब में। एडमिनिस्ट्रेशन टैब में पहुंचने के बाद हमें जाना है फीचर्स में। फीचर्स में जाने के बाद हमें लेना है इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा एमआरपी वाइज डिटेल, इसे आपको कर देना है दोस्तों चेक, यानी टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। इसमें तीन ऑप्शन आपको मिलेंगे, मेंटेन सेल्स प्राइस अलोंग विद एमआरपी, यानी एमआरपी के साथ आप सेल्स प्राइस भी मेंटेन करना चाहते हैं, जी हाँ चाहते हैं, इसे भी टिक कर दीजिए। सो एमआरपी वाइज स्टॉक विद जीरो क्वांटिटी, क्या जीरो क्वांटिटी के साथ भी आप एमआरपी वाइज स्टॉक शो करना चाहते हैं? अगर हाँ तो इसे चेक कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि अगर जीरो एमआरपी लिखा हुआ वो स्टॉक मेंटेन ना हो तो इसे अनचेक कर दीजिए। ये आपके चॉइस पे है, इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसा चाहें वैसा इसे रख सकते हैं। ग्रुप एमआरपी वाइज स्टॉक ऑन सेल्स प्राइस, अगर आप ग्रुपिंग बनाना चाहते हैं एमआरपी का तो उसे भी आप यहां से टिक करके ओके कर लीजिए। इसके बाद सेव बटन पे कर दीजिए क्लिक। यहां पे पहला कॉन्फ़िगरेशन आपने कंप्लीट कर लिया, अब हमें दूसरा कॉन्फ़िगरेशन एडजस्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे वाउचर सेटिंग्स में। तो यहां से हम लोग बाहर निकलते हैं और यहां पे देखिए वापस एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन में वाउचर कॉन्फ़िगरेशन जो है इस पे कर दीजिए क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद आप सेल्स के जो ऑप्शंस हैं उसे एक्सपेंड कर लीजिए, और एक्सपेंड करने के बाद एड न्यू पे क्लिक करके एक नया सीरीज आप तैयार कर लीजिए। जैसे हम यहाँ पे तैयार कर लेते हैं एमआरपी, ऐसा हमने किया, सेव बटन पे क्लिक कर दिया। अब होगा क्या कि इस सीरीज पे हमारी अलग तरह की वाउचर नंबरिंग और अलग तरह की सेटिंग्स चलेगी। अब आप जो अभी आपने तैयार किया है सीरीज उस पे आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में चले जाएं। दोस्तों ये सारी सेटिंग जो हम बता रहे हैं वो वीजी 18 के वर्जन पे बता रहे हैं, अगर इससे लोअर वर्जन है तो हो सकता है थोड़ा सा आपको यहाँ पे चेंजिंग मिले। तो आप 18 पे अगर हैं और अगर नहीं है तो आप लेटेस्ट वर्जन से अपडेट कर लीजिए अपने वीजी को। और यहां जाने के बाद आप वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करने के बाद आपको कहीं कुछ नहीं करना, सबसे नीचे आएंगे इनेबल एडवांस पीओएस डाटा एंट्री, इसे कर देना है आपको वाई। वाई करने के बाद कॉन्फिगर एडवांस पीओएस ऑप्शन, इसे कर दीजिए क्लिक। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने एक नया सीट खुल के आ जाएगा। इस पे पूछता है कि आपका फील्ड टाइप में जो है डेट वो कैसा रहेगा, तो यहाँ पे वेरिएबल रखें, हम बदल बदल के लेंगे। अगर किसी खास पार्टी या किसी खास डेट के लिए ले रहे हैं तो आप फिक्स भी ले सकते हैं, लेकिन वेरिएबल है तो हम लोग वेरिएबल का इस्तेमाल रखते हुए चलेंगे कि हम लोग कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल रखते हुए। ये सारी सेटिंग कंप्लीट कर ली। इसके बाद सबसे नीचे जब आप पहुंचेंगे यहां आपको नजर आएगा सो आइटम एमआरपी, इसे आप कर दीजिए इनेबल। अदरवाइज यहाँ पे जो अभी आपको हमने दिखाई थी सीट, उसमें एमआरपी जो आ रहा था वो नजर नहीं आएगा अगर आप इसे चेक नहीं करते हैं। और दूसरी बात, ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ इस एडवांस पीओएस कॉन्फ़िगरेशन वाले सीट पे ही मिलती है। यहाँ आने के बाद इसे वाई करें, सेव बटन पे कर दें क्लिक,
और फिर से वापस देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक रह गई होगी, वेरिएबल हमने ले लिया, सेव बटन पे क्लिक किया वापस, अब यहाँ आ गए हम लोग वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे, इसे भी सेव कर देते हैं और कर देते हैं बंद। अब यहाँ से स्केप करेंगे, अब चलते हैं हम लोग अपने जो वाउचर एंट्री है उस पे, इसके लिए ट्रांजेक्शन में जाएंगे और सबसे पहला ले लेते हैं परचेज। लेकिन परचेज में पहुंचने से पहले दोस्तों, जिस आइटम पे आपको एमआरपी वाइज एडजस्ट करना है उस आइटम पे भी आपको एमआरपी इनेबल करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं, एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के बाद आपको जाना है मास्टर्स में, मास्टर्स में जाने के बाद आप चले जाएं आइटम में, अगर आप नया बना रहे हैं तो ऐड ले लें, और अगर बना हुआ है तो आप मॉडिफाई पे क्लिक करके उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हमने मॉडिफाई पे क्लिक किया, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कोई एक प्रोडक्ट ले लेते हैं जिसपे हमें एडजस्ट करना है। जैसे हमने लिया लिंक बॉल पेन, सिलेक्ट पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको एमआरपी वाइज डिटेल की, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑप्शन है, इसे आपको कर देना है वाई। इसके बाद आप सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए, तो इस प्रोडक्ट को जब भी आप परचेज या सेल करेंगे तो वो एमआरपी आपसे मांगेगा। अब चलते हैं ट्रांजेक्शन में, ट्रांजेक्शन में चलने के बाद चलेंगे परचेज में, एड पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे मेन सीरीज रखते हुए आगे बढ़ते हुए यहाँ जो भी आपका परचेज टाइप हो वो ले लीजिए। हमने लोकल जीएसटी आइटम वाइज लिया हुआ है, पार्टी का नाम हम ले लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद आगे बढ़ते हुए यहाँ पे प्रोडक्ट में हमने लिया लिंक, लिंक लिया हमने लिंक बॉल पेन, ये लेने के बाद आगे बढ़े। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने एक नया सीट खुल के आ जाता है, इनपुट आइटम एमआरपी। ये देखिए यहाँ पे एमआरपी भी मांग रहा है और सेल्स प्राइस, तो मान लेते हैं कि इसका एमआरपी जो है वो है ₹3, ठीक है, ₹3 हमने लिया, और इसे हम मैक्सिमम जो सेल कर सकते हैं वो ₹2.5 में सेल कर सकते हैं, ये हमने कर लिया। इसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। अब क्वांटिटी कितनी है, तो 10 पीस हमने लिया। आगे बढ़ते गए, अब ये पूछता है कि प्राइस, ये क्यों आया दोस्तों, ये आया हुआ है डिस्काउंट के वजह से। आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में हमने आइटम डिस्काउंट इनेबल कर रखा था, इसलिए ये सीट हमारे सामने खुल के आया। अगर आपने डिस्काउंट इनेबल नहीं कर रखा हो तो ये आपके सामने नहीं आएगा और आप सीधा ही आ जाएंगे प्राइस के इस सेल में। और अगर इनेबल कर रखा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे प्राइस डाल दीजिए। जैसे अभी हमें जो ये रेट पड़ने वाला है वो है 2.35 पैसे, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2.35 पैसे, ये हमने मिटाया और पॉइंट डाल के 35 पैसे हमने लिखे। एंटर करते हुए इसे सेव कर दिया, आगे बढ़ गए, इसने कैलकुलेट कर लिया और जीएसटी कैलकुलेट वगैरह करके हमें ये सीट दिखा दी। ओके पे हमने क्लिक कर दिया और सेव बटन पे क्लिक कर देते हैं। सेव करते हैं, ये पूछता है कि वाउचर नंबर वगैरह क्या है, तो यहाँ पे जो वाउचर नंबर है वो आप डाल दें, आपके केस में जो भी परचेज का वाउचर नंबर रहे वो आप डालिएगा, 19 हमने डाला और इसे सेव कर दिया। ये देखिए रेफरेंस आ गया, ओके पे क्लिक करते हैं, ये हमारी एक एंट्री कंप्लीट हो गई। अब एक और हम परचेज का वाउचर एंट्री कर लेते हैं जिसमें हो सकता है कि लिंक स्टार जो है इसका एमआरपी बढ़ जाए। लास्ट टाइम जब आपने खरीदा था तो उसका एमआरपी कुछ और था और अभी खरीदा तो उसका एमआरपी बढ़ गया है, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। ये हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पे हमने ले लिया पार्टी का नाम और आ गए सीधे आइटम में और हमने ले लिया उसी आइटम को लिंक बॉल पेन और यहाँ पे एमआरपी चेंज कर देते हैं। इस बार मान लेते हैं कि एमआरपी चेंज हो चुका है और ₹4 आए हुए हैं, तो हमने 4 लिखा, आगे बढ़ा। अब इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो अगर ₹4 एमआरपी आ चुका है तो मान लेते हैं कि ₹3.50 के हिसाब से हमें इसे सेल करना है। एंटर प्रेस करते हुए इसे हमने कंप्लीट किया, 10 पीस हमने मंगाए हुए हैं। किस रेट पे मंगाए हुए हैं, तो हमने मंगाया हुआ है ₹3.15 के हिसाब से और ये हमने कंप्लीट कर दिया। इसने आइटम वाइज जीएसटी कैलकुलेट करके हमें दिखा दिया, जी हाँ सही है। सेव बटन पे हमने क्लिक करके इसे सेव कर दिया। अब यहाँ पे वाउचर बिल नंबर मांग रहा है, डाल दीजिए और कंप्लीट। इसके बाद ओके पे हमने क्लिक किया और बिल बाय बिल एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट का जो स्क्रीन खुल के आया हुआ है इसे सेव करते हुए कंप्लीट कर दिया। अब करते हैं एस्केप और चलते हैं हम लोग सेल्स वाउचर में। ये सेल्स में गए, ऐड पे हमने क्लिक किया। अब जैसे ही ऐड पे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने वो सारे के सारे खुल के आ जाएंगे सीरीज जो आपने बना रखे हो। तो जैसे हमने POS पे एंट्री करनी है, हमेशा याद रखें स्टैंडर्ड पे नहीं जाना है आपको। अगर MRP वाइज कैलकुलेट करना है, MRP वाइज हमको स्टॉक मेंटेन करना है, तो आपको POS में जाना है और POS में हमने पहले भी एक बना रखा था POS, हम उसे नहीं ले रहे हैं अभी आपके सामने। हमने MRP बनाया है तो MRP को लिया और OK पे क्लिक कर दिया। अब हमारे सामने कुछ इस तरह से सेल्स वाउचर खुल के आएगा। अगर हम यहाँ से स्केप करते हैं फिर से स्टैंडर्ड में चलते हैं तो देखिए स्टैंडर्ड में कैसा खुल के आता है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे एमआरपी का कहीं कोई जगह नहीं है, लेकिन अगर एमआरपी वाइज लेना हो तो ऐड पे क्लिक करें, POS पे क्लिक करें और आपका POS अगर सिंगल है तो वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, और अगर आपने मल्टीपल POS बना रखे हैं, यानी मल्टीपल सीरीज बना रखे हैं, तो वो यहाँ पे आपको नजर आएंगे। उस पे आपको आपकी जो सीरीज पे एंट्री करनी है उसे लेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, ये सीरीज खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे ये पूछता है कि डेट वगैरह क्या है, हमने वहाँ पे डाला था डिफॉल्ट सिस्टम डेट, तो आज 27 तारीख है तो इसने 27 तारीख ले लिया है, हम डेट चेंज कर देते हैं, 1/4 हमने ले लिया।
एंटर प्रेस किया, सेल टाइप क्या पूछता है, हमने दिया लोकल, आइटम वाइज यहाँ पे हमने ले लिया। इसके बाद पार्टी कौन है, हमने ले लिया मोहन। मटेरियल सेंटर मेन रखते हुए आगे बढ़े, यहाँ पे हमने लिया लिंक और लिंक बॉल पेन लेके एंटर किया। जैसे एंटर किया हमारे सामने देखिए पिक आइटम एमआरपी का एक नया सीट खुल के आ गया, एक नया डायलॉग बॉक्स आ गया है जिसमें हमें दोनों एमआरपी नजर आ रही है, 3 रुपये वाली भी एमआरपी और 4 रुपये वाली एमआरपी। अब आप जब सेल कर रहे होंगे तो आपके हाथ में जो प्रोडक्ट है वो जिस एमआरपी का होगा उस एमआरपी को यहां से आपको चुनना है, जिससे उसी आइटम का स्टॉक आपका इफेक्टेड हो, दूसरे वाले का इफेक्टेड ना हो। तो मान लेते हैं कभी हमने 3 रुपये एमआरपी वाली सेल करनी है, ओके पे हमने किया क्लिक और ये आ गया एमआरपी 3। आगे बढ़ते हुए कितनी सेल करनी है वो सारी चीज़ें आप डाल दीजिए यहाँ पे, और इसके बाद कंप्लीट करने के बाद आप सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए, तो ये हो जाएगा सेव। रेफरेंस नंबर वगैरह डाला, ओके किया, यस पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक करके हमने इसे सेव कर दिया। अब ये बोलता है कि क्या इसे प्रिंट करना है, अगर प्रिंट करना है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नो करते हुए यहाँ से निकल जाए। अब अगर आप इसका डिटेल देखना चाहते हैं कि एमआरपी वाइज कितना प्रोडक्ट मेरे पास कौन सा स्टॉक बचा हुआ है, तो आपको सिंपल जाना है डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे एमआरपी वाइज रिपोर्ट, इस पे करना है आपको क्लिक और यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो एमआरपी क्लोजिंग स्टॉक अगर देखनी है तो इस पे क्लिक कीजिए, इसके बाद बैलेंस ओनली या डिटेल्स, हमने डिटेल्स पे क्लिक किया। डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद कौन से सीरीज का हम बात करने वाले हैं, हमने ऑल ले लिया, ऑल लेते हुए आगे बढ़े, डेट इसने पूछा, डेट भी हमने दे दिया और ओके पे हमने क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ सारे प्रोडक्ट जो भी एमआरपी वाइज हैं वो सब नजर आ रहे हैं। जैसे हमने अभी जो काम किया था वो लिंक बॉल पेन पे किया था, तो इस पे हमारे पास 2 एमआरपी थे, एक 3 रुपये का और एक 4 रुपये का एमआरपी। तो 3 रुपये वाले में आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक क्या है और यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक क्या था, ये सारी डिटेल हमें यहाँ पे नजर आ जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो भी आपके लिए काफी यूजफुल साबित होगा अगर आप एमआरपी वाइज अपने स्टॉक को मेंटेन करते हैं। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा, और फर्स्ट टाइम आया हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।